हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 13 हम आज डिस्कस करने वाले। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक अपलोड हो चुके हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पार्ट 13 देख रहे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक जरूर कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आए हैं, और जो आ सकते हैं, जो लॉजिकल क्वेश्चन है आपको याद रखने, और एक्सप्लेनेशन भी है उसमें। अगर पार्ट 13 आप देख रहे हैं तो पहले के पार्ट आप जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, जहां पर मैं आपको साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और एमपीजीके के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का सेशन रहेगा हमारा हिस्ट्री के ऊपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा बौद्ध धर्म और पार्ट रहेगा हमारा 13। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। हमारे ऑप्शन है पीपल वृक्ष, मूर्ति, बौद्ध मठ या फिर अशोक का रुमिनदेई स्तंभ। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक का रुमिनदेई स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना, ये याद रखना कि अशोक का रुमिनदेई स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रारंभिक वर्तमान बोध स्तूप यहाँ से आते हैं। हमारे ऑप्शन है बोधगया, सांची, सारनाथ या फिर अमरावती। तो इसका राइट आंसर है सांची, सांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप सांची से आते हैं। सांची वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है, प्रमुख स्तूपों की संख्या कितनी है, 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है, जो सबसे बड़ा स्तूप है वो महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया था। कब, तीसरी शताब्दी, ये याद रखना है। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व किसने बनाया, अशोक ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सांची का स्तूप को किसने बनवाया, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसको विस्तृत किया गया था शुंग शासकों द्वारा। ठीक है, अगर इसको विस्तृत करने की बात आती है तो शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया था। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं जिससे आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप सांची से आते हैं। सांची वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है और सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया था और इसको विस्तृत किया गया था शुंग शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है, अद्वैतवादी, ईश्वरवादी, भौतिकवादी या फिर अनिश्वरवादी। तो इसका राइट आंसर है अनिश्वरवादी, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के
संस्थापक थे और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट बताया आपको वो आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तथा इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? हमारे ऑप्शन है त्रिपिटक, पुराण, आगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है त्रिपिटक। त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। कौन सी भाषा में की गई थी? त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के अंतर्गत तीन ग्रंथ को शामिल किया गया है, सुत्रपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्रपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो त्रिपिटक एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहां हुआ था? हमारा ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, बोधगया फिर या राजगृह। तो इसका राइट आंसर है बोधगया। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां हुई थी? बोधगया में हुई थी। निरंजन नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको यही याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत न करना पड़े। ठीक है, जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये भी हम डिस्कस किए थे, बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, इसलिए बुद्ध को हम एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं। एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से हम किसे जानते हैं? गौतम बुद्ध को जानते हैं हम एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहां हुआ था? बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर है ये एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार के गया में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ये तो आपको याद ही रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार में है और गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी। तो जो धामिक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये दोनों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार के गया में स्थित है और धामिक स्तूप जो है वो सारनाथ में। ठीक है, और सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जो कि प्रारंभिक वर्तमान बौद्ध स्तूप कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? हमारा ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? पाली होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ की धरती पर दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हम डिस्कस किए हुए हैं। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के अंतर्गत तीन ग्रंथ को शामिल किया है, सुत्रपिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये हम पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको एक बार और बता दिया जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो आपको आंसर मार्क करना है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हमारा ऑप्शन है कुतुब मीनार, लाल किला,
परिसर, हुमायूं का मकबरा या महाबोधि मीनार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाबोधि मीनार। महाबोधि मीनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मीनार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ है वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, इसलिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो आपको याद रखना है महाबोधि मीनार। और महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहां पर है? ये बिहार में है, गया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिसर को आयोजित किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? इसका राइट आंसर है पहली। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसवी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म के इतिहास में इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद प्रथम बोध परिषद को आयोजित किया गया था। इस प्रकार प्रथम बोध परिषद के आयोजन का समय क्या माना जाता है? 483 ईसा पूर्व। और प्रथम बोध परिषद का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। प्रथम बोध परिषद की अध्यक्षता एक विद्वान ने किया था जिसका नाम महाकश्यप था। प्रथम बोध परिषद के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दो भागों में बांटा गया था, एक सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। सुत्त पिटक का जो संकलन किया था आनंद ने किया था, और वहीं विनय पिटक का जो संकलन किया था वो उपाली ने किया था। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक रिव्यू दे दिया है, तो आपको याद रखना है। और त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और ये पाली भाषा में लिखा गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। और एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक के अंतर्गत तीन ग्रंथ को शामिल किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक से महाबुद्ध के उपदेशों के विषय में जानकारी मिलती है। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो त्रिपिटक में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? सुत्त पिटक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथ है? सुत्त पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है। विनय पिटक से मठ निवासियों के अनुशासन के विषय में जानकारी मिलती है। और अभिधम्म पिटक से बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या के विषय में जानकारी मिलती है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। हाय हो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। Thank you friends for watching. Have a nice day. Thank you.